देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी रूट में एक टाइप होती है, रूट एक्स प्लस बी इक्वल टू सी, एक क्वाड्रेटिक की बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप में से एक टाइप है बेटा, याद रखिएगा ये। अगर इनमें से कोई भी टाइप का कभी क्वेश्चन आ जाए तो एक कॉमनली जो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कई बार, वो ये कि इससे जब भी कोई रूट निकालो तो उन्हें क्रॉस चेक करना जरूरी होता है, नहीं तो आपकी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि अंडर रूट से निकली क्वांटिटी पॉजिटिव होती है। इन तीनों टाइप को करते स्क्वायरिंग करके ही सॉल्व है, बट ध्यान रखना इस बात का, आप जो जो बातें बोलता चलूं वो जरूर ध्यान रखिएगा। यस, रूट एक्स प्लस बी इक्वल टू सी, रूट एक्स प्लस बी प्लस रूट सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ई, अगर ऐसा कोई भी टाइप हो, सबसे पहले इसको दिए गए को क्या कर दो, स्क्वायरिंग जिस फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट में कर दो। बोलो तो स्क्वायरिंग करेंगे तो कई बच्चे गलती क्या करते हैं बताता हूं। इसका स्क्वायर जब करोगे तो 2x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 आएगा, और माइनस 4 टाइम्स आप बोलो 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, यस और नो? ये देखिए ये दोनों कैंसिल, ये हो गया 4x, 4x माइनस 1 इक्वल टू 4 टाइम्स आप बोलो, यस और नो? राइट, अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग एक बार और कर दो इसकी, एक बार और स्क्वायरिंग कर दो, तो बताओ क्या होगा, 16x स्क्वायर प्लस वो माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू, इसकी स्क्वायरिंग करी, अरे यहां पे मेरे को 2 लिखना था, सॉरी बेटा, सॉरी 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 2, तो 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, यस और नो? देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 16, ये आपस में कैंसिल, बोलो 8x इक्वल टू 17, तो x इक्वल टू 17 बाय 8, चेक करना जरा यही आएगा, एक मिनट माइनस 4 लिखना था बेटा, सॉरी यहां 16 थोड़ी आएगा, ये कैंसिल, तो 8x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 बाय 8, देखो 4x 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, यहां 2 का स्क्वायर किया तो 4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 1, तो 16x स्क्वायर माइनस 4, इसको इधर ले गए, ठीक है सही है, अब यहां रख दो 4 इंटू बोलो x स्क्वायर 25 बाय 64 माइनस 1, ये कैंसिल 16 टाइम, तो 3 बाय 4, देखिए आंसर क्या दिया है,